स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफॉर्म एजुकेशन। हमने अपने पिछली वीडियो में कुछ टॉपिक्स कवर किए थे मैट्रिसेस के, तो उन टॉपिक्स बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस आज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। आपको बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो ये मैट्रिक्स बी है, इसमें आप देख रहे हैं 1, 2 दो रो है, 1, 2, 3, 4 फोर कॉलम्स हैं। तो फ्रेंड्स, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 by 4। तो इसका ऑर्डर हमारा होगा 2 by 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलिमेंट्स। मैट्रिक्स ए में से एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 3, 2, -1, 6, 2 and 0। तो पहला एलिमेंट जो बताना है वो किस जगह पे है? 2, 1। ए 2, 1 आपको बताना है। तो 2 क्या बता रहा है हमें? रो, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1, 2। सेकेंड रो पे आ जाते हैं एंड फर्स्ट कॉलम, कॉलम फर्स्ट। तो एलिमेंट हमें क्या मिला? 6। तो 6 इज द रिक्वायर्ड एलिमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, a 1 3 आपको बताना है सेकेंड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो 1, 2, 3। थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? -1। तो -1 इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट आर 2 by 3 मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे। ए आई जे जनरल टर्म है एलिमेंट्स की, जहां पर वेयर एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल्स टू 1 by 2 i + 2j का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ए आई जे इज इक्वल्स टू 1 by 2 i + 2j का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन के हेल्प से आपको मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसमें लेट कर लेते हैं कि मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स क्या होंगे। सॉल्यूशन, लेट द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 by 3। हमें जो ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन है वो 2 by 3 है। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स क्या होंगे? a11 a12 a13। हमने इसमें कितने कॉलम्स यूज किए हैं? 3 कॉलम, क्योंकि हमें गिवन 3 कॉलम्स है। रो कितनी है? 2। तो a21 a22 a23। तो फ्रेंड्स, ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं। चलिए अब उस इक्वेशन की हेल्प से इन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। वी हैव ए आई जे इज इक्वल्स टू 1 by 2 i + 2j का होल स्क्वायर। ये हमें गिवन इक्वेशन है। पहला एलिमेंट हमारा है a11 से आपको समझ आ रहा है आई की जगह हमें 1 पुट करना है, जे की जगह पे हमें 1 पुट करना है। तो पूरी इक्वेशन में आई और जे की जगह आप क्या रिप्लेस करेंगे? 1 और 1। 1 by 2 1 + 2 into 1। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास आएगा 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9। 9 by 2 हमारी वैल्यू हो गई फर्स्ट एलिमेंट की। सेकेंड एलिमेंट है a12, तो आपको आई की जगह पुट करना है 1, जे की जगह पुट करना है 2। तो इक्वेशन सॉल्व करने पर हमारे पास आया 25 by 2। थर्ड एलिमेंट है a13, आई की जगह पुट करेंगे 1, जे की जगह पुट करेंगे 3। तो हमारे पास इसे सॉल्व करके आया 7 का स्क्वायर by 2, तो कितना हो गया? 49 by 2। तो फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ एलिमेंट है a21। आई की जगह पे आपको 2 रखना है, जे की जगह पे आपको 1 रखना है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया इक्वेशन को, हमें मिला 16 by 2। हम 16 की डिवाइड करेंगे 2 से, 8 हमें मिला। तो a22 हमारा फिफ्थ एलिमेंट है, आई की जगह पे 2 रखना है, जे की जगह पे 2 रखना है। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमें 36 by 2। 36 के डिवाइड करें 2 से, वी गेट 18। सिक्स एलिमेंट है हमारा 2 3 a 2 3। आई की जगह पे 2 रखेंगे, जे की जगह पे 3 रखेंगे, तो हमें मिला 64 by 2। डिवाइड करने पर वी गेट 32। तो फ्रेंड्स, हमने जैसे पहले लेट किया था अपने मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, a11 a12 a13 a21 a22 a23, तो उसी तरह हम उन एलिमेंट्स की जगह पे जो हमारी वैल्यूज आई हैं उन्हें पुट कर देंगे। a11 की जगह हमने पुट किया है 9 by 2, a12 की जगह पुट किया है 25 by 2, a13 की जगह पुट किया है 49 by 2, a21 की जगह पुट किया है 8, a22 की जगह पुट किया है
18, 8, 2, 3 की जगह पुट किया है 32. तो फ्रेंड्स इसी तरह हमें क्वेश्चन में कितना भी ऑर्डर गिवन हो हम उस तरीके से एलिमेंट्स को लेट कर लेंगे और वैल्यूज को पुट कर देंगे आई और जे की जगह पे. अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें. थैंक यू.